नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम लखवाल फिर हाजिर हूँ स्मरण कार्यक्रम लेके। मोहन राकेश की पहचान एक ऐसे रचनाकार के रूप में है जिनका लेखन जीवन के करीब है। उनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। उन्हें कहानी आंदोलन का सशक्त हस्ताक्षर होने का साहित्य जगत में गौरव हासिल है। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में MA करने के बाद उन्होंने आय अर्जन के लिए अध्यापन भी किया। मोहन राकेश कुछ वर्षों तक सारिका के संपादक भी रहे। उनकी रचनाओं में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस को खूब प्रसिद्धि मिली। वे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रहे थे। मोहन राकेश जी को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में आकस्मिक निधन हो गया। वे हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार थे। समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से एक अनुभूति क्षण चुनकर उन दोनों के सार्थक संबंध को खोज निकालना राकेश की कहानियों की विषय वस्तु है। मोहन राकेश की डायरी हिंदी साहित्य में इस विधा की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है। मोहन राकेश को कहानी के बाद सफलता नाट्य लेखन के क्षेत्र में मिली। हिंदी नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिसने हिंदी नाटकों को फिर से रंगमंच से जोड़ा। हालांकि बीच में और भी कई नाम आते हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और उसे युगों के रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहक से उबार कर एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। वस्तुतः मोहन राकेश के नाटक केवल हिंदी के नाटक नहीं है, वे हिंदी में लिखे अवश्य गए हैं किंतु वे समकालीन भारतीय नाट्य प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। प्रमुख भारतीय निर्देशकों इब्राहिम अलकाजी, ओम शिवपुरी, अरविंद गौड़, श्यामानंद जालनाथ, राम गोपाल बजाज और दिनेश ठाकुर ने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया। मोहन राकेश के दो नाटकों आषाढ़ का एक दिन तथा लहरों के राजहंस में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेने पर भी आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वन और संशयों की ही गाथा कही गई है। एक नाटक की पृष्ठभूमि जहाँ गुप्त काल है तो दूसरा बौद्ध काल के समय पर लिखा गया है। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में जहाँ सफलता और प्रेम में एक को चुनने के द्वंद्व से जूझते कालिदास, एक रचनाकार और एक आधुनिक मनुष्य के मन की पहेलियों को सामने रखते हैं, वहीं प्रेम में टूटकर भी प्रेम को नहीं टूटने देने वाली इस नाटक की नायिका के रूप में हिंदी साहित्य को एक अविस्मरणीय पात्र मिला है। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस में और भी जटिल प्रश्नों को उठाते हुए जीवन की सार्थकता, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के द्वंद्व, दूसरों के द्वारा अपने मत को दुनिया पर थोपने का आग्रह जैसे विषय उठाए हैं। राकेश के नाटकों को रंगमंच पर मिली शानदार सफलता इस बात की गवाह बनी कि नाटक और रंगमंच के बीच में कोई खाई नहीं है। मोहन राकेश का तीसरा और सबसे लोकप्रिय नाटक आधे अधूरे है। तो नमस्कार दोस्तों, यह था हमारा आज का स्मरण कार्यक्रम। मैं फिर हाजिर होता हूँ नए स्मरण कार्यक्रम को लेकर। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।